तो बच्चों आज मैथ्स के 12th मैथ्स के ऑनलाइन कोर्स के लेक्चर 3 में आपका स्वागत है। आज हम मैट्रिक्स का पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। तो अगर किसी भी बच्चे को मैट्रिक्स चैप्टर के बारे में कुछ ना पता हो अभी तक भी, तो वो पहले मैट्रिक्स चैप्टर का पार्ट 1 वाला देखिए, उसके बाद ही मैट्रिक्स चैप्टर का पार्ट 2 आपको समझ में आएगा। तो आज की क्लास का क्या एजेंडा है, इट मीन्स कि आज हम क्या क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें आज हम क्या क्या करेंगे। हमने लास्ट क्लास में मैट्रिक्स का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सीखा था, तो आज हम मैट्रिक्स के एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज सीखेंगे, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन या सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इसके बाद हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी लेंगे और साथ साथ उसके बाद हम सीखेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और इसके बाद हम सीखेंगे मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसके बाद हम सीखेंगे मैट्रिक्स इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। और हम जो है इसके साथ साथ ये भी सीखेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम्स किस तरह से मैट्रिक्स चैप्टर में आती हैं, और हम वर्ड प्रॉब्लम्स को मैंने वर्ड मीनिंग्स लिख दिया, वर्ड प्रॉब्लम्स को हम मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम निकालना सीखेंगे, ठीक है। सो ये कुछ चीज़ें होंगी। इसके अलावा हम जो है मिसिंग वैल्यूज निकालना भी सीखेंगे। एक बार हम पहले वो कर चुके हैं, लेकिन वो बहुत बेसिक में था। अभी हम मिसिंग वैल्यूज सीखेंगे थोड़ा सा एडवांस लेवल का, ठीक है। सो बेसिकली आज के हमारे एजेंडा में हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे, यानी कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कैसे निकाला जाता है, एंड मिसिंग वैल्यूज़ को कैसे फाइंड आउट करना है, मिसिंग वैल्यूज़ फाइंड आउट, ठीक है। एंड इसके अलावा एक चीज़ और, अगर समय हुआ 40 मिनट से पहले का, तो हम सीखेंगे जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मल्टीप्लिकेशन की कौन कौन सी हैं, इट मीन्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये हम आज की क्लास में सीखना चाहते हैं, तो देखते हैं कि हम इसमें से क्या क्या सीख पाएंगे और क्या क्या आज की क्लास में कवर कर पाएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करने से पहले हम जरा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की एक हम वर्ड प्रॉब्लम जरा देखें, और हम ये देखें कि मैट्रिक्स का हम किस तरह से यूज कर सकते हैं वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में। मान लीजिए कि फातिमा जो है दो फैक्ट्रीज है, एक प्लेस ए पर और एक प्लेस बी पर फातिमा की, ठीक है। फातिमा हैज टू फैक्ट्रीज एट प्लेस ए एंड बी, ठीक है। और हर फैक्ट्री में क्या है कि स्पोर्ट्स शूज बनते हैं बॉयज एंड गर्ल्स के, ठीक है। ईच फैक्ट्री प्रोड्यूसेस स्पोर्ट्स शूज, For boys and girls, ठीक है। और ये जो ना तीन कैटेगरीज में बनते हैं, ओके, तीन प्राइस कैटेगरी, और बॉयज एंड गर्ल्स इन थ्री प्राइस कैटेगरीज, थ्री प्राइस कैटेगरीज लेबल्ड एज वन टू एंड थ्री। अब जो क्वांटिटीज इन फैक्ट्रीज में निकलती है शूज की है, उनको हम क्या कर सकते हैं कि इस तरह से लिख सकते हैं, द क्वांटिटीज इन
produced. By each factory. Are represented as matrices. तो हम matrices की form में उसको इस तरह से show कर सकते हैं. जैसे ये है factory at A. इसमें क्या है कि यहाँ बॉयज हैं एंड यहाँ गर्ल्स की है, और यहाँ 1, 2, 3 ये इनकी तीन कैटेगरीज हैं. तो फैक्ट्री ए में 80 फर्स्ट कैटेगरी के बॉयज़ के शूज़ बनते हैं और 60 गर्ल्स के शूज़ बनते हैं फर्स्ट कैटेगरी के. सेकंड कैटेगरी के बॉयज़ के 75 बनते हैं एंड सेकंड कैटेगरी के गर्ल्स के 65 बनते हैं एंड थर्ड कैटेगरी के बॉयज़ के 90 बनते हैं एंड थर्ड कैटेगरी के गर्ल्स के 85 बनते हैं. उसी तरह से अगर हम फैक्ट्री एट बी रिप्रेजेंट करें तो बॉयज के और गर्ल्स के अगर हम रिप्रेजेंट करें तो कैटेगरी 1, 2 एंड 3 के 90, 70 और 75 है बॉयज के एंड 1, 2, 3 गर्ल्स के हैं 50, 55 एंड 75. ठीक है, अब सपोज करो ये दो हमारे पास फैक्ट्रीज हैं, हमने इनका नाम भी दे दिया. मान लीजिए इसका नाम है ए और इसका नाम है मैट्रिक्स का बी, नोटेशन दे दिया. अब सपोज करो फातिमा ये जानना चाहती है कि हर प्राइस कैटेगरी में जो है प्रोडक्शन टोटल कितना हो रहा है, प्रोडक्शन टोटल कितना हो रहा है, मतलब वो जानना चाहती है कि दोनों फैक्ट्रीज का मिलाकर प्रोडक्शन कुल कितना है फर्स्ट कैटेगरी में, सेकेंड कैटेगरी में एंड थर्ड कैटेगरी में. तो हम ये कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट कैटेगरी में, सेकेंड कैटेगरी में एंड थर्ड कैटेगरी में, तो कैसे कर सकते हैं? हम सीधा सीधा से एक ही काम करेंगे कि दोनों मैट्रिसेस को जोड़ देते हैं. तो जो टोटल प्रोडक्शन होगा हमारा, क्या टोटल प्रोडक्शन है ना, तो वो कैसे निकाला जाएगा टोटल प्रोडक्शन? टोटल प्रोडक्शन वो होगा हमारा ए प्लस बी, यानी कि हमारा ए प्लस बी. आपको मैंने लास्ट टाइम सिखाया था कि कैसे जोड़ा जाता है ना, तो टोटल प्रोडक्शन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का जोड़ना है 80 प्लस 90 इसको हम थोड़ा लिख लेते हैं, 80 प्लस 90 देन उसके बाद है 60 प्लस 50 देन उसके बाद है 75 प्लस 70 देन उसके बाद है 65 प्लस 55 एंड देन है 90 प्लस 75 देन है 85 प्लस 75. ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा हमें देख सकते हैं वो आ रहा है 80 प्लस 90 यानी कि 170, 60 प्लस 50 यानी कि 110. ठीक है, एंड देन उसके बाद और क्या आएगा आगे, 75 प्लस 70 कितना होता है 145 एंड देन 165 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 120 और ये आपका आ जाएगा 160. ठीक है, सो आप ये देखेंगे कि अब जो है फातिमा ये पता लगा सकती है कि हर कैटेगरी में टोटल प्रोडक्शन कुल कितना है. कैटेगरी वन में बॉयज़ का प्रोडक्शन दोनों फैक्ट्रीज का मिलाकर 170 है और गर्ल्स का 110 है ना, तो कितना आसान हो गया. तो मैट्रिक्स का यही उद्देश्य होता है कि डेली लाइफ की जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको मैट्रिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करके, इजी वे में कन्वर्ट करके देन उनको सॉल्व करना. ठीक है, सो ये था मैट्रिक्स की वर्ड प्रॉब्लम जो एडिशन की होती है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं. और अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि भाई जो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज होती हैं एडिशन वाली है ना, वो कौन कौन सी होती है. फटाफट से पहले हम उनको अब देखेंगे कि मैट्रिक्स की एडिशन की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है ना. तो अभी हम बात करते हैं मैट्रिक्स की एडिशन की पहली प्रॉपर्टी की. सो प्रॉपर्टीज
ऑफ, अच्छा एडिशन की जो प्रॉपर्टीज है वही सब्ट्रैक्शन की है, तो आप सिर्फ एडिशन एक ही वर्ड यूज कर लेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। तो वो प्रॉपर्टी है सबसे पहली आपकी कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ। क्या कहता है कम्यूटेटिव लॉ? बहुत इजी है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ ये कहता है कि अगर सेम मैट्रिसेस के दो ऑर्डर, आपको मैंने कंडीशन बताई थी ना मैट्रिक्स एडिशन की क्या होती है, कि जो मैट्रिसेस हैं उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है ना, जो मैट्रिसेस हैं उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो कम्यूटेटिव लॉ बस इतनी सी बात कहता है कि भाई अगर आपने दो मैट्रिसेस को जोड़ा है ए प्लस बी, तो आप ए में बी जोड़ो चाहे बी में ए जोड़ो, बात एक ही रहेगी, यही कहता है बस कम्यूटेटिव लॉ। कितना ईजी है ना ये, ठीक है। अब बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ की। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है? एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी बहुत इजी बात कहती है कि अगर आप मैट्रिक्स को जोड़ने का क्रम तीन मैट्रिसेस में चेंज कर दो, तो भी आंसर पे कोई फाइनल आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी आप पहले ए प्लस बी में जोड़ो, ए में बी जोड़ो, देन उसके बाद उसमें सी जोड़ो, या पहले आप क्या करो कि बी और सी जोड़ दो और देन आप उसमें ए जोड़ो, तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका बिल्कुल सेम रहेगा। ये कहता है आपका एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, एक एग्जिस्टेंस होता है एडिटिव आइडेंटिटी का। ये क्या मतलब होता है? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ये क्या कहता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी? ये कहता है कि भाई अगर आप किसी मैट्रिक्स ए में एक बार अगर नल मैट्रिक्स जोड़ोगे तो आंसर आएगा ए ही। यानी कि हम ये कहते हैं कि भाई जो ओ है ना वो एडिटिव आइडेंटिटी है मैट्रिक्स एडिशन की। अच्छा उल्टा भी ट्रू है इसके लिए। उल्टा कैसा? उल्टा ऐसा कि अगर आप ओ में ए जोड़ोगे तब भी आंसर ए ही आएगा। तो हम ये कहते हैं कि ओ यानी कि नल मैट्रिक्स, ओ इज द एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी फॉर मैट्रिक्स एडिशन। ओके, तो जो आपका ए है वो एडिटिव आइडेंटिटी है मैट्रिक्स एडिशन का, ठीक है। ओके, एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ये क्या कहता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स? ये कहता है कि अगर आप जो है एक मैट्रिक्स ए इसको यूज करते हैं तो हमेशा इसका नेगेटिव जो होगा वो जो है इसका एडिटिव इनवर्स होगा। एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि वो एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसे आप जोड़ोगे तो नल मैट्रिक्स आंसर आ जाएगा, वो ये कहना चाहता है। और उल्टा भी है, यानी कि अगर आप माइनस ए में ए जोड़ोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? ओ आ जाएगा। माइनस ए में अगर आप ए जोड़ोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? ओ ही आ जाएगा। तो इसीलिए हम माइनस ए को बोलते हैं, माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, या ऐसे कह सकते हैं और नेगेटिव ऑफ ए, या ये ऐसे कह सकते हैं कि नेगेटिव ऑफ ए है, माइनस ए जो है वो नेगेटिव ऑफ ए है। तो ये बच्चों हमारी जो ना चार प्रॉपर्टीज हैं, किसकी है चार प्रॉपर्टीज ये हमारी? ये हमारी है चार प्रॉपर्टीज एडिशन की। इसकी है चार प्रॉपर्टीज ये हमारी एडिशन या सब्ट्रैक्शन की। अब हम क्या सीखेंगे? अब हम सीखेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्या सीखेंगे अब हम? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है ना? तो स्केलर माने क्या होता है बताएं आप मुझे, स्केलर। हाँ बताओ बताओ बताओ। स्केलर माने होता है कोई कॉन्स्टेंट, है ना। तो
स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब यही है कि आप जब किसी कांस्टेंट से किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हम पढ़ने जा रहे हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन बाय मल्टीप्लिकेशन बाय एनी नंबर्स या मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स की किसी नंबर से मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो ये कैसे करते हैं, बड़ा आसान है बच्चों। ये आपने क्या करना है, जिस भी नंबर से आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है ना मैट्रिक्स की, आप जस्ट क्या करेंगे, आप बस इतना सा काम करेंगे कि उस नंबर से मैट्रिक्स के हर एलिमेंट की मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। मान लो एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, मान लो, अच्छा ये एग्जांपल कौन से नंबर का है, ये एग्जांपल 1 और ये एग्जांपल हो गया आपका 2, ठीक है। मान लो लेट कर लिया ए एक मैट्रिक्स है 2, 4, 6, 8, 1, 3, ये माइनस कर लीजिए, ठीक है। अब आपको कहा जाता है कि 3a निकालो क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि 3 से मल्टीप्लाई करनी है आपने a की। तो आप कैसे करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट्स में कर दो, तो 3 दूनी कितना होता है 6, 3 चौक 12, है ना, और 3 की वन से करेंगे 3 1 3, है ना, 3 6 18 एंड 3 8 24 और 3 3 9। अच्छा कुछ लोग बच्चे कहते हैं 3 1 3, इसका क्या मतलब, 3 1 3 ऐसा नहीं होता, इसका मतलब क्या होता है 3 1s are 3, 3 1s are 3, तो हम इसको बोलते हैं 3 1 3, ठीक है, ऐसे बोला जाता है। ओके फाइन, सो ये हमारा स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, इजी था स्केलर मल्टीप्लीकेशन, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ये तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन था, बहुत इजी था। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो इसके बाद हमारी प्रॉपर्टीज भी है, लेकिन पहले स्केलर मल्टीप्लीकेशन की तो पहले प्रॉपर्टीज और कर लेते हैं साथ साथ। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन ये क्या है, ठीक है। तो बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन। पहली प्रॉपर्टी तो बच्चों ये है कि अगर कोई k कांस्टेंट स्केलर है और उसकी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो a प्लस b मैट्रिक्स के एडिशन से, यानी सम से, तो आप क्या कर सकते हो कि आप k की a से मल्टीप्लाई करके प्लस k की b से मल्टीप्लाई करके, मतलब k की अलग से a से और k की अलग से b से मल्टीप्लाई करके जो दोनों का आंसर आएगा जोड़ कर वही आंसर आएगा अगर आप उनके एडिशन की मल्टीप्लाई कैसे करें, ठीक है। ओके अब आ जाते हैं हम सेकेंड जो प्रॉपर्टी है इसकी, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टी बताएं। सेकेंड प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप दो कांस्टेंट्स के टोटल से k प्लस l की मल्टीप्लाई करेंगे किसी मैट्रिक्स से, तो आंसर आपका तब भी वही आएगा जो आप अलग अलग मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे तो आएगा। तो यानी कि k की a से मल्टीप्लाई करके प्लस कर दो l में a से मल्टीप्लाई, यानी कि k a प्लस l a, यानी कि दोनों का आंसर क्या आता है, सेम आता है, ठीक। ओके थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारी, थर्ड प्रॉपर्टी बताओ बच्चों, थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी। थर्ड प्रॉपर्टी बच्चों कुछ नहीं है, यही दो मेन प्रॉपर्टीज हैं हमारी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, पहले हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या कर लिया है। हमने पढ़ लिया है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, हमने पढ़ लिया स्केलर मल्टीप्लीकेशन, और हमने इसके अलावा प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन अभी कर रहे हैं, उससे पहले हम सीखते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, ठीक है बच्चों। अब हम बात कर रहे हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन की, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। ये क्या होता है, देखो बच्चों, जिस तरह से आप एक कांस्टेंट की मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, उसी तरह से मैट्रिक्स की भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे करेंगे, पहले हम इसकी समझ लेते हैं कंडीशन, मल्टीप्लीकेशन कब हो सकती है, कंडीशन
conditions of multiplication. Conditions of multiplication. ठीक है, conditions of multiplication. तो क्या condition? Condition number one. Condition one. भाई matrix की multiply तभी हो सकती है जब कंडीशन नंबर वन सेटिस्फाइड हो. कंडीशन नंबर वन क्या कहती है? कंडीशन नंबर वन ये कहती है कि कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू रॉ ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स. क्या कहती है? अच्छा एक और बात मैं बता दूं, मैंने यहां पर ये लिख दिया कि conditions, ये conditions नहीं है, condition ही है. matrix multiplication के लिए केवल एक ही condition होती है और वो यही होती है कि भाई column जो है first matrix का वो equal होना चाहिए second matrix के row के, है ना. इसको हम थोड़ा सा अब practically करके देखते हैं कि इसका क्या मतलब हुआ. जैसे ये है हमारा अब example number 3, ठीक है. तो क्या है एग्जाम्पल नंबर थ्री? देखो भाई, मान लो ये ए एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ए एक मैट्रिक्स है और ये है 1, 2, 3, 0, -1, 2. ये ए एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और बी ये एक और मैट्रिक्स है ना, 3, 4, 5, 0, -1, 2. अब आप देखोगे कि इसका ऑर्डर क्या है, 2/3 होगा ना इसका ऑर्डर, 2 rows and 3 columns, और इसका ऑर्डर क्या है, 2/3 होगा, इसका भी 2 rows and 3 columns. आपने क्या देखा कि दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो आपको पता है कि इसमें एडिशन तो हो ही सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो ही सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो चेक करते हैं. मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन ये है कि भाई पहले का कॉलम यानी कि ये 3, दूसरे का रॉ यानी कि ये 3, ये दोनों जो ना बराबर होने चाहिए थे. तो आप बताओ ये 3 और ये 2 क्या ये बराबर है? नहीं है. तो हम क्या कहेंगे? मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल. मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल बिटवीन ए एंड बी. ठीक है, ओके, समझने वाली बात. अब हम बात करते हैं कि क्या सिर्फ यही चीज हमें अगर पता हो तो क्या हम मल्टीप्लिकेशन का एग्जिस्टेंस पता कर सकते हैं? बिल्कुल करेक्ट है. एक बार एग्जांपल लेते हैं, ए ही वापस ले लेते हैं. ए क्या था आपका? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है. और एक एग्जांपल सी ले लेते हैं हम यहाँ पर, ये ले लेते हैं 0, -1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये एग्जांपल ले लेते हैं. अब हम ये देखते हैं कि क्या ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है. इसका ऑर्डर क्या होगा? 3 rows है ना, 1, 2, 3 and 2 columns हैं, और ये 2 rows and 3 columns हैं. चेक करके देखते हैं कि क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. तो आप ये देखेंगे कि भाई पहले का जो कॉलम है, पहले मैट्रिक्स का यानी कि ए का जो कॉलम है, वो आप देखेंगे कि बराबर है. इसका 3 है, इसका 3 है, बराबर है ना, 3 बराबर 3, तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. ठीक है, अब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं एक ही सी से. कैसे करेंगे? देखो तरीका समझना बच्चों, अगर आप पहली बार में समझ जाते हो तो फिर आपको आगे के एग्जाम्पल बहुत ईजी लगेंगे. तो क्या करना चाहिए? फर्स्ट रॉ उठाएं, तो फर्स्ट रॉ की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से कर दें. फर्स्ट रॉ की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से कर दें. याद रखना कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई होनी चाहिए, यानी कि पहला एलिमेंट अगर इस रॉ का है तो इसके कॉलम के पहले एलिमेंट से हो, इस रॉ के सेकंड एलिमेंट की मल्टीप्लाई सेकंड एलिमेंट से हो, थर्ड एलिमेंट की मल्टीप्लाई थर्ड एलिमेंट से हो, और बीच में प्लस प्लस के निशान आते जाएंगे मल्टीप्लाई करके. जैसे 1 की मल्टीप्लाई 0 से होगी प्लस, अब सेकंड एलिमेंट है इसका भी सेकंड एलिमेंट 2 है, तो प्लस लगा के 2 into 2 होगा, अब प्लस लगा के 3 into 4 होगा. लेकिन ये हमारा फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट था, इसलिए ए 1 की जगह लिखा गया, यानी यहाँ पर लिखा गया. अब फर्स्ट रॉ की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से करेंगे हम. तो करो फर्स्ट एलिमेंट के फर्स्ट एलिमेंट से यानी कि 1 into -1, ओके, सेकंड एलिमेंट के सेकंड एलिमेंट से प्लस लगा के 2 into 3, ओके, थर्ड एलिमेंट के थर्ड एलिमेंट से यानी कि 3 into 5, ठीक है. अच्छा अब ये जो है ना, आप ये देखेंगे कि भाई
फर्स्ट रॉ और सेकंड कॉलम से हुआ, इसलिए इसके पोजीशन क्या होगी, ए वन टू फर्स्ट रॉ एंड सेकंड कॉलम, इसलिए इसकी पोजीशन ये बैठी। अब आप आ जाओ सेकंड रॉ और फर्स्ट कॉलम के मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू में 0 प्लस 5 इंटू में 2 सेकंड एलिमेंट की सेकंड एलिमेंट से प्लस 6 इंटू में 4, तो देखेंगे ये आ जाएगा। अब इसके बाद इसके आ जाओ, ये भी देखो सेकंड रॉ और फर्स्ट कॉलम, इसलिए सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम की जगह लिखी, याद है आपको वो लोकेशन फर्स्ट क्लास में सीखी थी, A11 A12 A21 टू सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम, इसलिए 21 आया। अब A22 देख लेते हैं, ये A22 बैठी हुई है ना सेकंड रॉ सेकंड कॉलम, इसका सेकंड रॉ सेकंड कॉलम, तो 4 की किससे -1 से प्लस 5 की किससे 3 से प्लस 6 की किससे मल्टीप्लाई 5 से, ठीक है। तो अब तो सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा हम, तो ऐसे ही आपका आ जाएगा 0, मैं एक बार डायरेक्टली ऐसे लिख दूं, 0 प्लस 4 प्लस 12, 4 किया 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा 16 आंसर आ जाएगा, ठीक है 16। इसका आंसर क्या आ जाएगा -1 मार्च किया 15 और 3 दूनी 6 15 और 6 कितना हो जाएगा 21 एंड -1 तो कितना आ जाएगा आपका 20 है ना, ये 0 हो जाएगा 4005 टू 10 और 6 4 जा 24 तो आपका आ जाएगा 34, ठीक है। ये -4 है और ये 30 है और ये 15 है, तो 30 प्लस 15 45 और माइनस का 4 45 माइनस का 4 41, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या आ रहा है बताएं, 2 रॉज एंड 2 कॉलम्स है, तो ऑर्डर आ रहा है आपका 2 बाई 2। अब आप इसमें एक बात नोटिस करेंगे, क्या नोटिस करेंगे कि जब हमने कंडीशन चेक की थी ना, तो इसका कॉलम इसके रॉ के बराबर है, लेकिन इसका 2 बच गया था और इधर भी 2 बच गया था, तो ये 2 इधर का यहाँ आ गया और ये 2 इधर का यहाँ आ गया। इट मीन्स आप केवल मैट्रिक्स के ऑर्डर को देखकर भी आंसर के ऑर्डर को कैलकुलेट कर सकते हो। आंसर का ऑर्डर हमेशा पहली मैट्रिक्स के रॉ और दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम के रूप में आता है। आगे बात समझ में, पहली मैट्रिक्स का रॉ और दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम के रूप में आता है, समझ में आगे बात आपको, ठीक है। तो इस तरह हमने मल्टीप्लीकेशन सीख लिया, अब हम थोड़ी सी टिपिकल मल्टीप्लीकेशन भी सीखते हैं। ये एग्जाम्पल 3 था, अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं मल्टीप्लीकेशन का, एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। तो इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, अब ये देखेंगे, ये है ए 1 2 3 ओके, और ये है बी, ये है आपका 3 2 1, ठीक है। अब इसका ऑर्डर देखो क्या है, इसका ऑर्डर 3 रॉज है 1 कॉलम है, इसका ऑर्डर देखो क्या है 1 बाई 3, यानी 1 रो है 3 कॉलम है, तो मल्टीप्लाई कर दो ज़रा ए बी, पहले तो ये चेक करें मल्टीप्लाई हो सकती है कि नहीं हो सकती, हो सकती है भाई, इसका 1 है इसका भी 1 है, इसलिए मल्टीप्लीकेशन हो सकती है, और हमें आंसर का ऑर्डर भी पता हो गया 3 बाई 3 आएगा। करो मल्टीप्लाई, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 3 3, अब फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम से तो कर दिया, लेकिन फर्स्ट कॉलम में और कोई एलिमेंट्स है नहीं, इसलिए सिंगल एलिमेंट आएगा। अब फर्स्ट रॉ की मल्टीप्लीकेशन किससे होगी, सेकेंड कॉलम से होगी, फर्स्ट रॉ की मल्टीप्लीकेशन किससे होगी, अब सेकेंड कॉलम से होगी, अब सेकेंड कॉलम से होगी तो क्या बचेगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 2 2, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 1 1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 3 6, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 2 4, सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 1 2, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 3 9, थर्ड रो सेकंड कॉलम 3 2 6, थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 1 3, आंसर का ऑर्डर आया 3 बाई 3। चेक करते हैं आंसर का ऑर्डर क्या आना चाहिए, देखो ये रहा 3 ये रहा 3, इसका टच किया था इसलिए आंसर का ऑर्डर 3 बाई 3 ही आना चाहिए, जो कि हमारा वेरीफाई भी है। हमने भी आगे ना बात आपको बच्चों यहाँ तक कुछ पूछना है, यहाँ तक मैं आपको कोई डाउट कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक मैं आपका, मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, काफी वैसे मेरे ख्याल से एग्जाम्पल अब हम वर्ड प्रॉब्लम के एग्जाम्पल लेते हैं ना, और अभी हम इसके बाद पढ़ेंगे क्या प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि वीडियो भी थोड़ा सा काफ़ी हो गया है अभी, सो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। तो अब हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे हम, अब हम बात करेंगे, हमने मल्टीप्लिकेशन सीख लिया, अब हम बात करते हैं पहले प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन की। सो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन अब हमारा अगला टॉपिक है, प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी जो होती है उसे हम कहते हैं द एसोसिएटिव लॉ,
द एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है? एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि भाई अगर आप ए की मल्टीप्लाई बी से करें और फिर सी से करें, है ना, या फिर आप बी और सी की पहले कर दे और फिर ए से करें, तो आंसर हमेशा बराबर आता है। आंसर हमेशा क्या आता है? बराबर आता है। अच्छा याद करो, एडिशन में आपने कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा था कि ए प्लस बी और बी प्लस ए बराबर होते हैं, तो क्या यहाँ पर भी ऐसा होता है? मल्टीप्लिकेशन में भी क्या बराबर होते हैं? ए बी और बी ए की मल्टीप्लिकेशन बराबर होती है? तो उसका आंसर है नो। कम्यूटेटिव लॉ की मतलब ए बी और बी ए बराबर हो, ये अप्लाई नहीं होता। कम्यूटेटिव लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ओके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये कहता है कि अगर ए मल्टीप्लाई आप बी प्लस सी से करोगे तो आंसर जो आएगा वो वही आएगा जो ए बी प्लस ए सी का आता है, यानी ए की पहले बी से कर लो और फिर ए की सी से कर लो और फिर दोनों को जोड़ दो। उल्टा भी चल सकते हैं ऐसे आप, कि अगर ए प्लस बी की मल्टीप्लाई सी से हो रही है तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा आपका ए सी प्लस बी सी, ठीक है ओके। थर्ड क्या है यहाँ पर? द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। The existence of multiplicative identity. ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि हमेशा एक ऐसा मैट्रिक्स आई, आई हम जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, वो हमेशा अवेलेबल रहेगा, हमेशा पॉसिबल रहेगा कि जिसकी आप मल्टीप्लाई ए से करेंगे तो ऑलवेज आंसर ए ही आएगा, यानी आई ए बराबर ए आएगा। और ऐसे भी कह सकते हैं कि ए आई बराबर ए ही आएगा, इसका ऑर्डर वही रहेगा जो ए का ऑर्डर है। मतलब अगर ए 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, है ना, और तो आई भी क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। अच्छा ये प्रॉपर्टी केवल स्क्वायर मैट्रिक्स है, फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी, बाकी प्रॉपर्टीज दोनों तो नॉर्मल मैट्रिक्स में भी लग जाएंगी, बस ये स्क्वायर मैट्रिक्स में ही रहेगी, फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी। बिकॉज रीजन क्या है इसके पीछे? रीजन ये कि आई हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, इसीलिए जो है ये प्रॉपर्टी केवल स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही लागू होती है, ठीक है, समझ में आ गई बात ओके। अब हम एक एग्जाम्पल, एक या दो एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं और उसके बाद देखते हैं अभी हमने क्या क्या आज की क्लास में कर लिया और क्या क्या अभी हमारा बाकी रह गया है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमने सीख लिया है ना, और वर्ड प्रॉब्लम सॉल्यूशन अभी हम देखेंगे, मिसिंग वैल्यूज अभी हम देखेंगे, और प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी हमने सीख लिया, ठीक है। सो अभी एक काम करते हैं, हम पहले एक वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं मैट्रिक्स की, मल्टीप्लिकेशन की, एंड देन उसके बाद मैट्रिक्स इक्वेशन। सो पहले वर्ड प्रॉब्लम की हम बात करते हैं। मान लो एक इलेक्शन में, क्या एक इलेक्शन में, एग्जाम्पल नंबर कौन सा है ये हमारा? एग्जाम्पल नंबर है हमारा 5, ठीक है। सो मान लो एक इलेक्शन में, एग्जाम्पल नंबर 5 है हमारा, इन एन इलेक्शन, ठीक है। तो क्या हुआ, एक इलेक्शन में हुआ ये कि अ पॉलिटिकल पार्टी hired a public relation firm to promote its candidate. Thank you.
in three ways. कौन कौन से थ्री वेज है? मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी अपने कैंडिडेट को प्रमोट करना चाहती है तीन तरीकों से. एक टेलीफोन, सेकंड हाउस कॉल, थर्ड लेटर्स. और फिर लेटर भेजकर, एक तो टेलीफोन करेगी है ना, और हाउस कॉल्स का मतलब है कि फोन नहीं करना, हाउस कॉल्स का मतलब घर विजिट, होम विजिट, ठीक है, घर जाकर विजिट करेगी, और साथ साथ लेटर्स और लेटर्स लिखेगी, ठीक है. तो तीन तरीके से करती है ना. द कॉस्ट पर कॉन्टैक्ट है, द कॉस्ट पर कॉन्टैक्ट, पैसे में अगर हम बात करें तो वो कितनी बैठती है इन पैसे, इज गिवन इन मैट्रिक्स. Is given in matrix A as A है हमारी, एक है 40 पैसे और एक है हमारी 100 पैसे और एक है हमारी 50 पैसे. और ये किस किस की है कॉस्ट? ये टेलीफोन की है, 40 पैसे की कॉल लगती होगी. और फिर हाउस कॉल जो है घर जाकर अगर बात करना तो उसकी पैसे की भी, उसकी भी कुछ ना कुछ कॉस्ट लगती है. और लेटर देना, इसकी भी कुछ ना कुछ कॉस्ट लगती है. ये कॉस्ट है, ठीक है. सो अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है बताएं? क्वेश्चन ये है तो क्वेश्चन में आगे क्या है, द नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट, द नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ ईच टाइप. मेड इन टू सिटीज, मेड इन टू सिटीज एक्स एंड वाई is given by तो जो number of contacts जो किए गए दो cities में आपको ये बता रखे हैं. कैसे कैसे बता रखे हैं? 1000 और 3000 और 500 और 1000 और 5000 और 10000. ये एक्स सिटी है, मान लीजिए दिल्ली है और ये मुंबई है. तो ये टेलीफोन की, टेलीफोन इतने किए गए, ठीक है, हाउस कॉल्स इतने किए गए, और जो है लेटर्स वो इतने भेजे गए एक्स सिटीज में इतने, और इसी तरह से वाई सिटीज में इतने, ठीक है. तो क्वेश्चन ये है इसके आगे, फाइंड द टोटल कॉस्ट या टोटल अमाउंट, फाइंड द टोटल अमाउंट spent by the group in the two cities X and Y, in the two cities X and Y. Okay, so कैसे करेंगे इसको? आपको एक मैट्रिक्स जो A है उसमें आपको क्या दे दिया, एक मैट्रिक्स जो ए था, ए मैट्रिक्स में आपको क्या दे दिया कि भाई ये कॉस्ट है ना, 40, 100 पैसे और 50 पैसे टेलीफोन हाउस कॉल और लेटर की, ठीक है. और आपको बी सिटी में क्या दे दिया, बी सिटी में भी इतने कॉन्टैक्ट्स किए गए, है ना. तो आपको पता है कि अगर सीधी सी कॉस्ट निकालनी तो कैसे निकालेंगे, टोटल अमाउंट स्पेंट कैसे निकालेंगे, टोटल अगर आपको निकालना है तो कैसे करोगे? आप सिंपल सी बात है कि टोटल जितने कॉन्टैक्ट किए गए उसको मल्टीप्लाई कर दो ना कॉस्ट से. टोटल कॉन्टैक्ट जितने भी किए गए उसको मल्टीप्लाई किससे कर दो? कॉस्ट से, ठीक है ना. तो वो कैसे करेंगे, मान लो उसको सी मैट्रिक्स है, लेट सी सी मैट्रिक्स है,
तो टोटल जो कॉन्टैक्ट्स थे वो टोटल कॉन्टैक्ट इसलिए किए गए, तो वो हो गया बी। और कॉस्ट कितनी थी, वो आपकी ए थी। चेक करके देखते हैं कि क्या बी की ए से मल्टीप्लाई होगी पाएगी कि नहीं। बी ये है आपका 1,500, 5,000, ठीक है, और ये है आपका 3,000, 1,000 और 1,000, नहीं ये 10,000 है ना, और ये है आपका ए। ए क्या था आपका, याद है क्या था, वो था आपका 40, 100 और 50, ठीक है, तो 40, 100 और 50, 40, 100 and 50। अब आप देखो इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 3 by 1, 3 rows 1 column, इसका ऑर्डर क्या है 2 rows and 3 columns, 2 by 3, तो देखो मल्टीप्लीकेशन हो सकती कि नहीं हो सकती, इसका 3 यानी कि इसका कॉलम इसके रॉ के बराबर होना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। तो बस अब हमने क्या करना है, जस्ट ओनली इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो फर्स्ट रॉ की फर्स्ट कॉलम से करो मल्टीप्लाई, पहले एलिमेंट की पहले एलिमेंट से, दूसरे एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट से, तीसरे एलिमेंट की तीसरे एलिमेंट, कर दो मल्टीप्लाई। देखिए 1,000 × 40 प्लस आएगा ना 500 × 100 प्लस 5,000 × 50, ठीक है। अब सेकेंड रॉ की फर्स्ट कॉलम से, सेकेंड रॉ की कर रहे हो तो सीधे सेकेंड रॉ में लिखोगे 3,000 × 40 प्लस 1,000 × 100 प्लस 10,000 × 50, है ना। अच्छा ये कॉस्ट किस में निकल कर आएगी, पैसे में निकल कर आएगी, और ऑर्डर क्या बनेगा फाइनली, इसका 2 rows है, इसका 1 column है, तो ऑर्डर बन जाएगा 2 by 1। तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो 4, 1, 2, 3, 4, 0, और ये आपका आ जाएगा प्लस 5, 1, 2, 3, 4, 0 प्लस 25 और 1, 2, 3, 4, 0, और ये आपका आ जाएगा 12, 1, 2, 3, 4, 0 प्लस 1, 1, 2, 3, 4, 5 प्लस 5, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, और 2 by 1 को जोड़ दो, तो जोड़ने पर ये आ गया आपका 3,40,000। पैसों में आ रहा है सारा आंसर, ये 7,20,000, ठीक है। ये एक्स सिटी में आ गया और ये वाई सिटी में, क्योंकि सिटीज थी ना, आपको याद है ना क्या था, ये एक्स क्या थी, सिटी थी, और ये क्या था, वाई सिटी थी, और ये कॉस्ट थी। तो हमने सिटीज की, जैसे एक्स सिटी की कॉस्ट जो है एक्स सिटी के कॉन्टैक्ट को मल्टीप्लाई कर दिया, ये एक्स सिटी के कॉन्टैक्ट थे और वाई सिटी के कॉन्टैक्ट थे, इसको हमने कॉन्टैक्ट कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो एक्स सिटी के कॉन्टैक्ट को कॉस्ट से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स सिटी की कॉस्ट आ जाएगी, वाई सिटी की सिटी के कॉन्टैक्ट को और कॉस्ट से मल्टीप्लाई करोगे तो वाई सिटी की कॉस्ट आ जाएगी। तो इसका मतलब है कॉस्ट एक्स की कितनी आ जाएगी, 340 रुपीज, और y की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, y की कॉस्ट आ जाएगी 720 रुपीज, मतलब 720 नहीं 3,400 and 7,200, फाइन, क्लियर है, समझ में आ गई बात। आगे चले हम जल्दी से, वीडियो बड़ा हो गया है थोड़ा सा, जल्दी से 4-5 मिनट में खत्म करेंगे इस वीडियो को, ठीक है, ये टॉपिक हमने ख़त्म करना था आज। सो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो गया है हमारा, है ना, वर्ड प्रॉब्लम्स भी हो गए हैं हमारी, अभी मैट्रिक्स इक्वेशन सॉल्विंग रह गया है और मिसिंग वैल्यूज फाइंडिंग आउट रह गया है, ठीक है। मिसिंग वैल्यूज फाइंडिंग आउट करके हमने जो है फर्स्ट उसमें कर लिया था, क्या कहते हैं एक्सरसाइज में, मतलब पिछली क्लास में फर्स्ट लेक्चर में हमने कर लिया था, तो कुछ नया नहीं, फिर भी हम एक एग्जाम्पल्स ले लेंगे और उसको करेंगे। और मैट्रिक्स इक्वेशन सॉल्विंग है तो ये भी हमारा रह गया है, मैट्रिक्स इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये अब हम करेंगे इसको कवर, कौन सी क्लास में, नहीं नेक्स्ट क्लास में, लेक्चर 3 में अब हम इसको कवर करेंगे। तो आज के लिए ये हमारा टॉपिक अभी पेंडिंग है, तो हम इसको अब लेक्चर 3 में कवर करेंगे, और ये भी हमारा टॉपिक पेंडिंग है, सो इट विल ऑल्सो बी कवर्ड इन लेक्चर 3। तो बच्चों आप घर पर स्टडी करते रहें और ये टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, 12th क्लास का जो समय होता है बहुत कीमती होता है, और बिल्कुल अच्छे से यूटिलाइज़ करें। ये वीडियोस बार बार देखेंगे, 2-3 बार देखेंगे तो आपको ये टॉपिक अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, याद हो जाएगा, आपको दोबारा फिर इसको भूलने की दिक्कत नहीं होगी, मतलब आपको हमेशा ये याद रहेगा, ठीक है बच्चों। तो बस आज के लिए इतना ही, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें,
आप सभी को शुभ दिन।